तो गाइज़ गाज़ियाबाद फूड टूर की नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हम आए हैं सयाजी पूड़ी वाले, जो कि बहुत ही फेमस है गाज़ियाबाद में। इतनी भीड़ है, आप जब यहाँ पर आओगे ना भाई साहब, वेटिंग में लोग खड़े होते हैं, अंदर बैठने की जगह नहीं होती, इतनी डिमांड है इन लोगों की। देखिए यहाँ पे पूरा पैक्ड है, ये आप देख सकते हो कितनी फेमस है ये शॉप। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूड़ियाँ तली जा रही है, ये जो इसकी पिट्ठी होती है ये बेल रहे हैं हम। जो ये मसाले वाली पूड़ियाँ होती हैं, जिनकी पूड़ी है वो बहुत ही स्पेशल होती है। तो अभी हम लोग इनकी जो थाली है, जो पूड़ी है, वो टेस्टिंग करने जा रहे हैं। सो उसकी टेस्टिंग करके मैं उसके रिव्यूज़ बताऊंगी साथ साथ आप लोगों को, कि भाई ऐसा क्या है इनके खाने में जो ये सब इनको सबसे हटके बनाता है। तो आपको और ये वीडियो देख के आपको लगा कि नहीं, हमें भी यहाँ पर आना चाहिए और सयाजी पूड़ी वाले को ज़रूर ट्राई करना चाहिए गाज़ियाबाद में। सो ये यहाँ के ऑनर हैं और यहाँ से आप टोकन ले सकते हो, ठीक है। और हमारे साथ एक कस्टमर है जो यहाँ पे बहुत टाइम से आ रहे हैं, और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये यहाँ पे भाई कितने टाइम से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन बत्रा है। अच्छा, हाँ जी, आ जाइए। और मतलब यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ नियर बाई। अच्छा, आप लोकल हैं? हाँ, लोकल ही हैं यहाँ पर। और जो यहाँ की फूड की जो क्वालिटी है, वेरी ऑसम एक्चुअली। जो कचौड़ी और पूड़ीज वगैरह, मतलब एक हरिद्वार वाली फीलिंग आती है यहाँ पर आके ऑलमोस्ट। अच्छा। की हाँ जी। और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? एक्चुअली यहाँ पर सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, सारी चीज़ें ही बेस्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर आलू पूड़ी और विद पेठे की सब्जी, पेठे की सब्जी जो यूनिक बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। एंड सेकंड थिंग, इनकी जो आई थिंक जो भी फेस्टिवल्स के टाइम पर जो घेवर वगैरह बनाते हैं, ऑसम, वेरी टेस्टी। मतलब गाज़ियाबाद में आओ और अगर हम यहाँ पर ना आए तो इट मीन्स इट्स लाइक इनकम्प्लीट है गाज़ियाबाद में। अगर आप घूम रहे हो तो यहाँ पर नहीं आए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप नियर बाई बस स्टैंड आ रहे हो, ओल्ड बस स्टैंड आ रहे हो, और अगर यहाँ नहीं आए मालीवाड़ा के अंदर, तो आपने मतलब कोई भी यहाँ का फूड टेस्ट किया ही नहीं है। आलू पूड़ी सबसे बेस्ट यहीं पर। आप महीने में कितनी बार आ जाते हो यहाँ पर? महीने में आई थिंक मैं 6-7 बारी तो है यहाँ पे। पैक करवा के भी ले जाते हो घर पे और यहाँ पर आके भी खाना प्रेफर करते हो? हाँ जी, हाँ जी, दोनों 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 बेस्ट है। तो गाइस ये भी देखिए, ये महीने में 6-7 बार यहाँ पर आते हैं और बहुत ही फेमस शॉप है यहाँ पे, बस स्टैंड के पास है। तो अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए अंदर जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कैसा टेस्ट है। सो आइए मेरे साथ। सो गाइस अभी हमने अपने लिए आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और पेठे की सब्ज़ी, जो यहाँ की स्पेशल थाली है, उसका ऑर्डर दिया था जो आ गया है। और ये हमें सर्व हुआ है ये पत्तल की थाली में, पत्तल का डोना है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पेठे की सब्ज़ी है, ये आलू की सब्ज़ी है, ये पूड़ी है इनकी छोटी छोटी गोल गोल सी फूली हुई पूड़ी है, और ये है इनका मिर्ची का अचार, ठीक है। और अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं। बहुत ही सादा खाना है, आलू की सब्जी में अच्छे से हींग डली हुई है, हींग का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। पेठे की सब्जी में मेथरे का दाने का जो मेथरा होता है उसका टेस्ट आ रहा है, मीठा है पूरी के साथ। पेठे का वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जो मेथरे के इसका इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो जैसे आप फर्स्ट बाइट लोगे ना, प्रॉपर एक मीठापन मेथरे का टेस्ट, बहुत बढ़िया है ये पेठे की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, मिर्ची का अचार भी खाएँगे। मिर्ची का अचार भी बहुत डिलीशियस है, साथ ही में इन्होंने हमें दिया ये रायता, बूंदी का रायता है। लाल मिर्च डली हुई है, नमक डला हुआ है, भुना हुआ जीरा डला हुआ है, अच्छा ठंडा रायता है, बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ 35 रुपए की ये थाली है जिसमें 5 पूड़ी सर्व होती हैं। और यहाँ पर आप आएंगे, आपको ये खा के बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। देखिए सबसे अच्छी बात पता है यहाँ की क्या है, ये जो पत्तल में सर्व करते हैं ना,
वो सबसे मुझे चीज़ अच्छी लगी कि एक तो बढ़िया यू आप खाएँ एंड ईजिली थ्रो हो जाएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको दो सब्ज़ी मिल रही है, पांच पूड़ी मिल रही है, आपको साथ में मिर्ची का चार मिल रहा है, वो भी 35 रुपीज़ में। गाइस इतनी भीड़ रहती है ना कि यहाँ पे वेटिंग लगी हुई है, अंदर बैठने की जगह नहीं है, इसलिए हम भी बाहर बैठ के खा रहे हैं कि भाई हमें तो ट्राई करना है और हमने खाना है यहाँ से खा के जाना है, तो इसलिए हमने सब ट्राई करा। अभी हमने इनकी आलू पूड़ी जो सब्ज़ी थाली खाई है और अब हमने इनका कुछ स्वीट ऑर्डर करा था। गाइज ये मोहन भोग है, ये प्लेन मोहन भोग है और ये है इनका केसर वाला, तो आइए ट्राई करते हैं। इसके ऊपर इन्होंने पिस्ता डाला हुआ है, खाने में बहुत सॉफ्ट है, इसमें मीठे की क्वांटिटी बहुत अच्छी डली हुई है और दानेदार है, ये दूध से बनता है, इसमें मतलब बिल्कुल दानेदार है, जैसे आप उसमें डाल खाओगे ना तो ये आपको दानेदार जैसी फील देगा। ये भी मोहन भोग है और ये केसर वाला है, कलर है वो येलो कलर का है ये, और अच्छा बना हुआ है ये, मतलब आप खाओगे ना थोड़ा सा डिफरेंट है खाने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। इसके ऊपर भी इन्होंने पिस्ता डाला हुआ है और ये भी बिल्कुल दूध से बनता है। एक तो इतना अच्छा मीठा है ये खाने में, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बाद यहाँ पे इनका पतीसा बहुत फेमस है गाइस, ये इनका पतीसा है, ऐसे देखिए इसमें ना लेयर बनी हुई है अच्छी खासी, और ये मैंने जैसे ये लिया है आप देख सकते हो, ये खा के ना मुझे मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा बहुत ही करारा पतीसा है ये, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। साथ ही में ऊपर इन्होंने इलायची के बीज डाले हुए हैं और सफ़ेद जो तिल होता है वो डाला हुआ है ऊपर, तो इसका भी एक इलायची का जो फ्लेवर आ रहा है, इलायची के जो बीज डाले हुए हैं उसका जो फ्लेवर आ रहा है बहुत ही अमेजिंग है। आप यहाँ पर आइए, इनकी ये थाली ट्राई करिए, इनका मीठा ट्राई करिए, इनका रायता जो ये साथ में सर्व करते हैं बहुत ही अच्छा है। देखिए एक तो इनका खाना बहुत अच्छा, साथ ही में इन्होंने ये हमें पत्तल में जो सर्व करा है विच इज़ इको फ्रेंडली, वो भी बहुत कंसेप्ट अच्छा है इनका, आपको बिल्कुल देसी फील आएगी यहाँ पर आके। और आप गाज़ियाबाद में पूरा आगे जो बस स्टैंड है उसके पास में है, हम इसकी लोकेशन अपनी वीडियो में डाल देंगे, आप यहाँ पर आइए सैया जी पूड़ी वाले के पास और ज़रूर इनका ये सब कुछ ट्राई करिए, आप यहाँ पर आके बहुत खुश हो जाएंगे। तो गाइज ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस अभी मेरी और आती रहेंगी इस गाज़ियाबाद फूड टूर पे, तो आप देखते रहिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।